सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे सर? ठीक ठाक, बेहतरीन। काफ़ी दिनों से गायब हैं लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया है, गुस्सा। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि आजकल जिस तरह लोगों के अंदर बेसब्रापन है और वो बेसब्रापन चिड़चिड़ेपन में आ जाता है, और चिड़चिड़ापन एकदम हमें गुस्सा और तैश ले आता है। गुस्सा लाइफ में कितना अहमियत का हामिल है हमारे, या इस गुस्से की वजह से हम ना जाने क्या क्या चीज़ें कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो अलग मैटर है, लेकिन मैं ना आज आपको ना सबसे पहले सोच रहा हूँ गुस्से के ना बारे में कुछ बताऊँ कि गुस्सा किस तरह बाज़ औक़ात अंदर ही अंदर खा जाता है, गुस्सा निकाल देने के बाद हम लोग की ज़िंदगी में क्या हो जाता है, गुस्सा किस तरह इंसान को बाज़ औक़ात, या तो ऐसा तो बहुत कम होता है कि अपनों में कदर बढ़ा देता है, लेकिन ज़्यादातर ना कदर गवाही देता है आप सबकी ना। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गुस्सा। देखें, आना एक फितरती अमल है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा ना आए। जो बहुत ज़्यादा आज के दौर के इंसान में तो गुस्सा पाए जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे साथ ये हो रहा होता है कि हम चाहे बच्चे हों, बड़े हों, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, कोई भी ऐसी जगह हो, रिश्तेदार हो, जब हमें लगता है कि बात हमारे हक में नहीं है तो हमें गुस्सा आ जाता है। ज़रूरी नहीं आपके खिलाफ़ हो, हर इंसान यही समझता है कि उसके लिए जो चीज़ हो रही है ना वो उसके हिसाब से हो तो बेटर है, और अगर उसके हिसाब से ना हो तो गुस्सा आ जाना ज़रूरी है। जैसे हम एक्सपेक्ट रखते हैं कि हमारे नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, बहुत अच्छे आ जाएं, लेकिन जब नंबर अच्छे नहीं आते तो गुस्सा आ जाता है। और बस तो लोग जो मेहनत कम करते हैं और डिपेंड करते हैं किस्मत पे, और अगर वो किस्मत उनके हिसाब से ना चले फिर वो वही बात आ जाती है कि उनको गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, बंदा बहुत साल पूरे साल इंतज़ार करता है कि मेरा प्रमोशन हो, प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन नहीं होता उस हिसाब से जैसे उसने एक्सपेक्ट किया होता तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये तो वो गुस्से हैं जो सालाना या माहाना या 6 महीने में आने वाले गुस्से हैं। कुछ गुस्से हैं ना जो हम लोग को बहुत रोज़ आ रहे होते हैं, जैसा कि ख़ुद वक्त पे नहीं उठते बाज़ औक़ात हम, अगर हमें कहीं जाना होता है फिर गुस्सा आ जाता है कि अबे यार उठे क्यों नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि अब इस गुस्से को निकालने के लिए ना ये होता है कि अगर कोई रास्ते में टकरा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जल्दी में हो, सीढ़ी में कोई टकरा जाए, अगर आप देखते हैं। अच्छा, एक मज़े की चीज़ बताऊँ जो मैंने नोट की है, जब आपको पता है एक बंदा ना आपसे ताकत में ज़्यादा है तो कभी आप उस पर गुस्सा नहीं करोगे, क्यों? वो अपना ताकत का जोर दिखाएगा ना, आपको ज़रूर कमज़ोर कर देगा, इस वजह से आप खामोश हो जाओगे, थक जाओगे, बैठ जाओगे, या बिल्कुल अपने अंदर चीज़ रख लोगे। मेरे अंदर भी है, जब मुझे लगता है कि भाई ये मुझसे ताकत में ज़्यादा है तो मैं उसे गुस्सा नहीं दिखाता, लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई ताकत या जोर में मुझसे कम है, या फिर हो सकता है कि मीन्स के मुझे पता है यार ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं इस पर जितना गुस्सा कर लूँ फ़ौरन ये रिएक्शन नहीं देगा, तो फितरती बात है मैं गुस्सा भी कर लेता हूँ, इंसान हूँ भाई। गुस्से के ये बड़े नुकसान हैं, अपने आप को गुस्से से कैसे बचाना है वो मैं बाद में बताऊँगा, इसके लिए एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ लाइफ में आपको गुस्से का कहाँ फ़ायदा हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता। जहाँ तक मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है वो ये कहता है, जैसे कि आप दोस्तों की गैदरिंग है या कोई ऐसी गैदरिंग है जो आपकी रोज़ की गैदरिंग है, महीने की गैदरिंग है, तो उसमें सिंपल सी चीज़ ये होती है कि गुस्सा जैसे आपने कर लिया अपने दोस्त पे, कोई बात बोल दी कर दी, अगर वो आपको चाहता है ना वो उस वक्त तो आपका गुस्सा बर्दाश्त कर लेगा या आपको आगे से डांट देगा, लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा मुखलिस होगा ना वो बाद में आपको समझाएगा, बिठाएगा और बताएगा ये ठीक है ये नहीं है, गले लग के समझा सकता है, अच्छी बात करके समझा सकता है, लेकिन वो चाहेगा आपका उससे साथ ना छोड़े। यही कहीं ना कहीं ना एक रिश्ते का हुस्न होता है कि आपने उससे बात कर ली और आपने नहीं उसने आपसे बात कर ली और आपके गुस्से को दबा दी और कोशिश की कि अगली बार आपको वैसे गुस्सा ना आए। ये तो रहा आपका गुस्से का एक बहुत ही जो पॉजिटिव साइन है जो मैंने अपनी लाइफ से नोट किया, और भी बहुत सारे होते होंगे जो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं पढ़ के ये इरादा कर लूँ कि अगली बार वैसा गुस्सा मैं ना करूँ। और अब आते हैं गुस्से के यार जो नेगेटिव पॉइंट है। देखें यार, गुस्से में बाज़ औक़ात अपना ही आदमी का काम ख़राब हो जाता है, जैसे कि कोई आपको छोड़ना चाह रहा है, आप उससे नाराज़ हैं, आप उससे गुस्से में हैं, या किसी और का गुस्सा, आप बताए जा भाई जा, तू जा मैं चला जाऊंगा, बाद में एहसास होता है यार चला जाता तो मैं वक्त पे पहुंच ही जाता। ये देखें गुस्से का ये एक नुकसान है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके हिसाब से खाना नहीं बना, आपने गुस्सा किया,
तो क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया, भूखे सो गए, फिर आप लोग ही जाके नखरे एक तरफ करके ना, और अगर अपना क्या कहते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने उस गुस्से के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए आप अगर खाली पेट रहते हैं तो फिर आप जानते हैं क्या होता है। और रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारा ऐसा होता है, गुस्सा आ जाता है, सुना देता है, उनमें से एक जिसको रिलेशन ज़्यादा प्यारा होता है वो तो खामोश हो जाता है गुस्सा, लेकिन वो भी अंदर घुटता रहता है और बाद में फिर वो आपकी बैंड बजा देता है। सो वीडियो को इख्तिताम पे जाते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ, हमने बचपन में अक्सर सुनते थे कि दौरान गुफ्तगू आप बोले कम और सुने ज्यादा, तो सुनने की थोड़ी सी ताकत रखें, चाहे आपके खिलाफ बात हो, कायल करें बातों से, ना कि ऐसे रिएक्शन से कि जिसकी वजह से बाद में आपका सर मारने को दिल चाहे किसी दीवार पे। और वीडियो कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ज़िंदगी रही, अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों से ज़्यादा से बात करूँ, बात हो नहीं पा रही है। सो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आपके गुस्से की वजह से कब नुकसान हुआ और आपको कैसे लगता है कि गुस्से को कंट्रोल किया जा सके, या गुस्से को कम किया जा सके, या गुस्से को ख़त्म किया सके। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।